हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही वंडरफुल हर्ब है जिसका नाम है ब्रह्मी। तो ब्रह्मी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ब्रह्मी का मेरा बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। ब्रह्मी जो जड़ी बूटी है, बकोपा मनेरा इसका नाम है। आमतौर पे साउथ इंडिया में सेंटेला एशियाटिक के नाम से एक जड़ी बूटी है, मंडूक पर जिसको बोलते हैं। तो वहाँ के लोग साउथ इंडिया के सेंटेला एशियाटिका को भी ब्रह्मी ही बोलते हैं, और जबकि नॉर्थ इंडिया में बेकोपा मनेरे को ब्रह्मी के रूप में लिया गया है। तो दोनों हर्ब जो है, आप इनको एक दूसरे की बहने हैं ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों के यूजेज जो है वो ब्रेन के लिए है। तो ब्रह्मी जो है ब्रेन के लिए कैसी नायाब या मिरेकुलस औषधि है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ब्रह्मी मैंने जो जब भी किसी पेशेंट को दिया है, कोई उसने मुझे ये बताया कि आपने मुझे ऐसा क्या दिया, मैं पहले से बेटर, डिप्रेशन नहीं है, मुझे नींद भी अच्छी आती है, मैं मेरी सोच भी फोकस हो गई है, मेमोरी भी बेटर है, कंसंट्रेशन भी बेटर है, और मुझे स्ट्रेस एंग्जाइटी जो पहले डर लगता था वो भी दूर है। तो इस तरह के इसके गुण हैं। ब्रह्मी जो है मन को शांत करती है, मन को जिसका मन विचलित रहता हो और कन्फ्यूजन में रहता हो और घबराहट होती हो। आजकल बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं लोग, तो एंटी डिप्रेसेंट से बेटर है आप ब्रह्मी का प्रयोग करें। इसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। छोटे बच्चों को भी जो पढ़ते हैं उनको आप रेगुलर ब्रह्मी दे सकते हैं। तो ब्रह्मी का जो छोटा सा पौधा होता है, छोटी सी लता होती है, जो कि उसका आप सिंपल रस निकाल करके दे सकते हैं। करीब 5 ml रस रोज सुबह शाम दीजिए। ये पौधा आमतौर पर आपको किसी नर्सरी से मिल जाएगा। अगर नर्सरी से नहीं मिलता तो किसी मेडिसिनल प्लांट नर्सरी से आपको डेफिनेटली मिलेगा पौधा। और उसको आप, ये शीतल है और ठंडा है, अगर किसी को एसिडिटी वगैरह भी है उसको भी शांत करती है, क्योंकि मन जब विचलित होता है तो एसिडिटी भी आमतौर पर लोगों को बनने लग जाती है। तो मन को भी शांत करेगी, एसिडिटी को भी शांत करेगी, क्योंकि शीतल है। और किसी को आमतौर पर हार्मोनल इम्बेलेंसेज हो जाते हैं लेडीज में, और उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर, न्यूरोसिस, इस तरह के विचार आते हैं, पैनिक अटैक जिसको बोलते हैं, ये फीमेल्स होती हैं, उनको पैनिक जल्दी हो जाता है, तो उस समय भी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे भी तकलीफ होती है, तो उस केसेस में भी आप ब्रह्मी को यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रह्मी का एक ब्रह्म रसायन करके भी एक कम्बिनेशन आता है जिसको आप एंटी एजिंग के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। और ब्रह्मी के कैप्सूल तो मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करता ही हूँ। वो ब्रह्मी वट्टी एक विद गोल्ड भी एक आती है प्रेपरेशन, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाती है, परंतु जो बेस्ट प्रेपरेशन है वो आप ब्रह्मी के स्वरस का यूज़ कीजिए, या ब्रह्मी का जो सत्व बनाओ, तो ब्रह्मी के जो रस है उस, या ब्रह्मी का पौधा उसका सत्व निकाल करके उसका एक्सट्रैक्ट से हमने ये जो कैप्सूल बनाया है वो यूज़ करता हूँ मैं। तो जैसे मैंने बताया, बच्चों को जो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, छोटे बच्चों को कई बार बात नहीं सुनते, हाइपर एक्टिव हैं, इधर उधर भागते हैं, आवाज़ लगाने पे जवाब नहीं देते, या बिल्कुल अपने आप में ही मस्त रहेंगे। और जो बच्चों को लर्न नहीं हो पाता, याददाश्त उनकी थोड़ी कम है और मार्क्स उनके कम आ रहे हैं, तो ब्रह्मी भी जो है उसको आप प्रयोग कराएंगे तो थोड़ा सा उनके इम्प्रूवमेंट होगी लर्निंग कैपेबिलिटी में। या ओल्ड एज में किसी को अल्जाइमर्स है, या किसी को पार्किंसोनिज्म है, या उनको याददाश्त में कमजोरी हो गई है, तो आप उसको ब्रह्मी का स्वरस पिलाएं, ब्रह्मी का रस 2 चम्मच सुबह शाम पिलाएं, या ब्रह्मी का कैप्सूल का भी सेवन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और ब्रह्मी का इसके अलावा अगर आपको घबराहट होती है, कई पेशेंट आते हैं मेरे को बहुत घबराहट होती है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मैं किसी भी सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पाती, उस केस में भी आप ब्रह्मी के का प्रयोग कर सकते हैं। और एक और इसका बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज है, ब्रह्मी को अगर हम यूज करते हैं तो रेगुलर तौर पे यूज करने से ब्लड प्रेशर बहुत डाउन आता है। तो ब्लड प्रेशर जिसका कंट्रोल में नहीं रहता, तो ब्रह्मी यूज करे तो रेगुलरली उसको फायदा मिलेगा। और नींद में भी जिसको रेगुलरली नींद नहीं आती है तो एंग्जाइटी रहती है, तो इंसोमनिया में ब्रह्मी बहुत यूजफुल है, रेगुलरली यूज करे तो उससे नींद भी आएगी अच्छी। ये ब्रह्मी एक ऐसे मैंने जब भी प्रोडक्ट किसी को दिया है, आमतौर पे लेडीज को देता हूँ, तो लेडीज खाती हैं तो हस्बैंड बोलते हैं कि सर
जब तक ये ब्रह्मी खाती है तो तब तक मुझे पता लगता रहता है कि ये ब्रह्मी खा रही है। जब उसकी ब्रह्मी खत्म हो जाती है तो हस्बैंड को पता लगता है कि ब्रह्मी खत्म हो जाती है, खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब कि उसका बिहेवियर में भी फर्क पड़ता है, थोड़ी कामनेस आती है, थोड़ी काइंडनेस आती है, तो ये दूसरे स्पाउस को पता लगता है। ऐसे ही मेल्स को देता हूँ तो फीमेल कहते हैं कि सर इनकी ब्रह्मी मुझे लगता है खत्म हो गया। तो ब्रह्मी इतनी यूजफुल है। और बच्चे जो है वो कहते हैं अपनी मम्मी को प्रे करते हैं कि मम्मी मम्मी ब्रह्मी इज वेरी यम्मी, यू शुड ईट इट डेली। तो इसलिए ब्रह्मी जो है सभी लोग इसका प्रयोग करें, बहुत यूजफुल चीज है। इसके अलावा ब्रह्मी के जो दूसरी बहन जिसकी मैं बात कर रहा था, गुड्डू कोला मंडूक पर नहीं, तो मंडूक पर नहीं उसका नाम है कि मंडूक जैसे उसके पत्ते, मंडूक के पैरों जैसे उसके पत्ते होते हैं सेंटेला शेटिका के, तो वो माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। किसी को स्किन प्रॉब्लम है, किसी को इसी तरह के मेमोरी के फंक्शन के लिए तो अच्छी है ही है वो मंडूक पर भी, परंतु साथ में स्किन प्रॉब्लम में भी यूजफुल है। वो थोड़ी ज्यादा शीतल है और उसको हम जिसमें वेस्कुलर डिसऑर्डर हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ब्रह्मी और मंडूक पन्नी दोनों हर्ब्स का आप रेगुलर तौर पे प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदे में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।